हाई एवरी वन वेलकमिंग ऑल ऑफ यूथ द जीनियर्स प्रोफेसर दिस इज मी यूर अभिषेक सर यूर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले कीर्टोन्स चैप्टर के बारे में सो लेट एस डिस्कस सम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो लेट एस डिस्कस वन बाय सो दर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रडक्शन ऑफ अल्डी हाइट्स एंड कीटोन्स विद जिंक अलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड एट सीयर और राइटर एन क्लेमेंशन रिडक्शन तीन मार्क के लिए तो को zinc, में आपको दे रहा हूं। और आप मेरे को अल्डीहाइड और कीटोन को रिड्यूस करके दिखाओ इसी को दूसरे में पूछ रहा है राइट एन नोट क्लीमेंशन रिडक्शन ठीक है तो देखो इसका आंसर कुछ पॉइंट्स में लिखना है इस तरीके से सबसे पहले आपको बताना है कि आप इसमें करने क्या वाले हो द कार्बोनिक ग्रुप ऑफ अड्डी मालगम एंड कॉन्सेंट्रटेड एससीएल अगर आपने नोटिस किया रहेगा तो मैंने वापस से क्वेश्चन ही लिखा है अल्डीहाइड्स से से. और कीटोन को अपने रिड्यूस को करना है मालगम एंड कॉन्सेंट्रेटे एचल तो अपने को पता था हम लोगों ने फर्स्ट मॉडल में देखा था कि अपने पास अल्डीहाइड और कीटोन में कार्बोनिक ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ होता है अल्डीहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है तो इसमें डिफरेंस कहाँ पर है ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है

दो हाइड्रोजन आइटम से कुछ रिएक्शन में आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा देखिये ध्यान से इन दिस रियक्शन सी डबल बॉन्ड ओ यानी की एक कार्बोनिल ग्रुप है कार्बोनियल ग्रुप है इसको हम लोगों ने देखो फोर मोल ऑफ हाइड्रोजन से ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमालगम And एंड कॉन्सेंट्रटेड एच सी एस वॉट इजनिंग ओवर दिस इज अस्ट इम्पोर्टेंड look carefully. यहाँ पे देखो बच्चों आपको C double bond O दिख रहा है ठीक है यहाँ पे चार हाइड्रोजन है तो इस चार हाइड्रोजन में से दो हाइड्रोजन्स ने इस एक ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया आईमिन टू से देखिए ध्यान से अगर आप वाटर के फॉर्मूले में देखोगे एच टू ओ तो फिर एच टू ओ यानी कि ऑक्सीजन एक के हाइड्रोजन दो है तो यहां पर अपने पास चार हाइड्रोजन है चार हाइड्रोजन ने इस एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करके वाटर मॉलिक्यूल बना दिया ठीक है और जो बचे हुए दो हाइड्रोजन है वो इसके यहाँ पर आ गए इस प्लेस पर ऑक्सीजन के प्लेस पर तो अपने को मिल जाता है। यही इस मेन कॉन्सेप्ट है इस रिएक्शन का बट अपने को बच्चा अल्टीहाइड और कीटोन के बारे में पूछा है और ये जो हम लोग लिख के आए हैं ना ये जी आर ए यानी कि जनरल रिएक्शन है इतना समझता है ना तो इसका अभी मेन रिएक्शन आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू लिख के बताना पड़ेगा देखिए कुछ इस तरीके से सबसे पहले एसिटोन यानी कि ये कीटोन है कैसे पता चलेगा देखो कार्बन है और डबल बॉन्ड हो यानी कि कार्बोनिल ग्रुप है ये देखिए यहाँ पे मिथाइल ग्रुप सी एस थ्री ये भी एक मिथाइल ग्रुप सी एस थ्री यानी कि दोनों भी आर आर ग्रुप अटैच किया है तो उसको जब आपने फोर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया है तो फिर इसमें से दो हाइड्रोजन ने तो इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर करके वाटर मॉलिक्यूल बना दिया ठीक है और जो दो बच्चे दो है उसने इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया है और प्रोपेन बना दिया है राइट right? अब देखो ये तो हो गया कीटोन है इसका ओ एन यानी कि कीटोन अब ये देखिए अल्डीहाइट ए एल लिख है इसका मतलब ये अल्डीहाइट का एग्जाम्पल है यहाँ पे आपको सी एच ओ ग्रुप लास्ट में दिख रहा है राइट अब इस ऑक्सीजन को आपको रिप्लेस करना है दो हाइड्रोजन से अगर मैं यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगा दू और ये ऑलरेडी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये दे विल बोथ कम्बाइंडिंग टूगेदर दे विल फॉर्म सी एस थ्री ठीक है और जो ऑक्सीजन यहाँ पे निकल रहा है वो इस दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके वाटर मॉलिक्यूल बना दे रहा है इतना समझता है ना इजी था बच्चों देखो आप लोगों ने एक कीटोन के लिए एक एग्जाम्पल लिख दिया और एक अल्डीहाइट के लिए ले लिया

इसकी पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है देखो इसकी वजह से क्या जाता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी जनरेट हो जाती है इस कार्बन की तरफ देखो इसको और की कोशिश करते हैं डोंट वरी तो अभी आपको वापस से क्वेश्चन लिखना है कुछ इस तरीके से अल्डीहाइट्स आर मोर रिएक्टिव। देखिए हमने से मैंने ये पॉइंट लिख करके सेकंड पॉइंट बना दिया क्वेश्चन ही लिख यूज इट ऑलराइट सो थर्ड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट लुक केयरफुली ये बच्चों डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के और स्टीरिक इफेक्ट के ऊपर ठीक लेटर्स डिस्कस वन बाई वन इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग एक डायग्राम लिख लेते हैं तो उससे अपने को और इजी वे में समझ में आ जाएगा देखिए ध्यान से ये कीटोन का जनरल रिप्रेजेंटेशन है और ये अल्डीहाइट का जनरल रिप्रेजेंटेशन है ठीक है देखो अब इसमें क्या हो रहा है आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे आपको एक आर ग्रुप दिख रहा है राइट एक आर ग्रुप दिख रहा है और एक और आर ग्रुप दिख रहा है यानी कि टोटल आर ग्रुप कितने हो गए बच्चों दो आर ग्रुप हो गए राइट अब देखिए यहाँ पे आपको खाली सिर्फ और सीफ देर इज ओनली वन आर ग्रुप इन द केस ऑफ अल्डी तो आप क्या देख सकते हो नोटिस कर सकते हो कि यहां पर ये आर और ये आर दोनों के दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं इस कार्बन एटम को बट यहां पे कैसे है एक ही आर है जो कि अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस कार्बन एटम को और दूसरा हाइड्रोजन है वो तो डोनेट नहीं कर रहा है तो कार्बन के ऊपर चार्ज आता है ही बच्चों तो को इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और इफेक्ट के थ्रू ये जो मैंने अभी, अभी, अभी आपको बताया ये आप किस में लिख सकते हो बच्चों इसमें लिख सकते हो देखो कुछ इस तरीके से इफेक्ट यानी है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है ठीक है हैज टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कीटोन के पास दो है जो कि बॉन्डेड है कार्बोनिल कार्बन को ठीक है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है डिक्रीज इन इट्स पॉजिटिव पोलैरिटी एंड इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी वजह से इसकी जो पॉजिटिव पोलैरिटी रहती है वो डिक्रीज हो जाती है ठीक है ये मेन रीजन था और सेकंड आपको क्या लिखना है कि अल्डीएड में खाली एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बॉन्डेड टू कार्बोनिल कार्बन तो उसकी वजह से क्या हो जाता है This makes are more reactive than ketones. जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था वही पॉइंट आपको लिखना है इसको positive inductive effect के में लिखना है ठीक है इसको समझ की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ही ईजी वे में समझना कुछ इस तरीके से देखिए अगर एक कार्बन है उसके पास दो आर ग्रुप अटैच है और दूसरा एक कोई तो भी कार्बन है जिसको सिर्फ और सिर्फ एक ही आर ग्रुप अटैच है ठीक है तो बल्कि मतलब लोग मतलब आर ग्रुप कहाँ प्रेजेंट जा रहा है इस कार्बन की तरफ राइट देखिए ये दो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है एक ही है राइट right? तो इससे बच्चों अपने को ये समझता है कि अगर कोई न्यूक्लियो है अगर वो इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है दो आर ग्रुप है जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इस कार्बन को डोनेट कर रहे तो ये लोग क्या करेंगे इसको स्टॉप करेंगे राइट right? अगर ये कोई यहाँ पे न्यूक्लियो अटैक करने की कोशिश करेगा इस कार्बन पे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही आर ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है सो दैट इट कैन बी इजिली अटैच और है इसी को हम लोग इफेक्ट बोल रहे हैं इतना समझ रहे हैं ना क्राउडेड की बात कर रहे थे इसके अंदर हम लोग ठीक है और इसके अंदर हम लोग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं इसको आप स्क्रीन शॉट ले लो ऑल राइट सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टेक अ स्क्रीन शॉट ओके थैंक यू ऑल राइट दिस इज एंड फॉर दिस मॉड्यूल सो इसके बाद बच्चों एक प्रिपरेशन आपको कैसी करनी है उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा सो so उसको मिस मत करना एंड right? चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो सो so दैट कोई भी अगर मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा ठीक है एंड दीज आर माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वेर यू कैन कॉन्टेक्ट मी And thank you so much for watching my video. One thing more is remaining for you guys. Don't stress. Do your best. Thank you so much for watching my video.